हिंदू को अब शस्त्र शास्त्र से तो हम ही शस्त्र से भी सुसज्जित होना पड़ेगा। इसलिए 5 से 10 हजार लोग इकट्ठे होंगे, एक हिंदू के हाथ में होगा। हिंदू को अब शस्त्र शास्त्र से तो हम ही शस्त्र से भी सुसज्जित होना पड़ेगा। इसलिए 5 से 10 हजार लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन मैंने ये भी हिदायत दी है कि हम लोग अहम में आके भीड़ को देख के भीड़ तंत्र में मोमेंटलिटी वातावरण न बनाए। हम किसी पुलिस प्रशासन से पंगा नहीं लेंगे, हम यहाँ किसी मेव परिवार से भी पंगा नहीं लेंगे। अगर कोई मेव आके हमारे बीच में खड़ा होगा उसको बांह से पकड़ करके हम बाहर कर देंगे कि तुम यहाँ तुम्हारे को खड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्यों अब वो हमारे भाई नहीं रहे। भाई तब है जो जब गोकशी नहीं करें, ये भाई मेव हमारे तब है जब मंदिरों को नहीं तोड़े, ये भाई मेव भाई हमारे तब है कि हमारी बहन बेटी से बदतमीजी छेड़छाड़ और गैंगरेप नहीं करें, ये हमारे भाई नहीं है। इसलिए हमारे बीच में हमारी पंचायत में हिंदू पंचायत में हिंदू जैली जैली में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। ये 25 जुलाई को है, इस परिवार से हम मिले हैं, मैं उस बेटी से नहीं मिला, जानबूझ के हमारे कार्यकर्ताओं को मना किया। हमारे 2 महिला कार्यकर्ता जो साथ आई हैं, क्या नाम बहनी आपका? दोनों का नाम आपने सुन लिया, इन दोनों ने उस बेटी से बेटी की माँ से बात की है। ये मामला का एंड बहादुरपुर नाहरकला में नहीं है, ये पूरे रामगढ़ क्षेत्र में, पूरे मेवात में, राजस्थान या हरियाणा,